हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑपरेटर गेम चल रहा है फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स के अंदर। तो सुबह से ही लोअर सर्किट लगा हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि सारे शेयर्स में फ्यूचर ग्रुप के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर रिटेल को। तो फ्यूचर रिटेल में जो हम क्वांटिटी देख पा रहे हैं, यहाँ जो ऑर्डर्स लगाए हुए लोग हैं उसके अगर हम डिवीजन करके देखेंगे सबसे ऊपर वाले का, तो अराउंड हर एक ऑर्डर के 677 शेयर्स निकलेंगे, जो कि अराउंड आपका बैठेगा 60,000 के अराउंड, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है किसी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए। दूसरा हम देखेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल में अगर हम कंपैरिजन करके निकालेंगे तो अराउंड आएगा 481 जो आएगा वो एवरेज आएगा पर ऑर्डर। तो ये अमाउंट जो होगा वो अराउंड होगा आपका 45,000 के अराउंड, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तीसरा हम देखते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन का अगर हम एवरेज करेंगे तो अराउंड आएगा 331 के अराउंड, जो 331-332 के अराउंड आएगा, तो मतलब अराउंड 33-34,000 रुपीज़ किसी ने इन्वेस्ट किया पर ऑर्डर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इससे हम पता चलता है कि इसमें ऑपरेटर गेम चल रहा है वो बहुत तगड़ा। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट क्या होगा वो दिल्ली हाई कोर्ट का ही वर्डिक्ट मेन है, बाकी सब चीज़ें तो मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं रखती हैं। अगर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सही आता है, फिर में आता है फ्यूचर रिटेल का, तो प्राइसेस में बहुत तेजी आएगी और वो आना ही चाहिए मोस्ट प्रोबली। तो कंक्लूजन में मैं कह सकता हूँ कि मंडे से इनके प्राइसेस में फिर से इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए जितना उसके बाई करने की कोशिश करें। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग इट। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।